मैक्लोडगंज भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित धर्मशाला नगर का एक उपनगर है। इसमें चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद आए कई विस्थापित तिब्बतियों का निवास है, जिस कारणवश इसे कभी कभी छोटा ल्हासा या धर्मशाला और ल्हासा को मिलाकर धासा भी पुकारा जाता है। यहाँ तिब्बत की निर्वासित सरकार का मुख्यालय भी है और दलाई लामा भी यहीं पर विराजमान है। हमने सुबह 5:30 बजे ये जर्नी शुरू की ऋषिकेश से और हमारी किया सोनेट एक्स लाइन ने इस जर्नी को पूरा किया लगभग 10 घंटे में। तो हम पहुंच गए हैं मैक्लोडगंज धर्मशाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पोस्ट डाल के सभी को बता दिया था कि हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज धर्मशाला की तरफ, तो लोगों ने हमें कहा कि आप अभी तो होकर आए थे, लेकिन देखिए इतनी प्यारी जगह है, इतनी सुंदर जगह है ये, तो एक बार में 2 नाइट का स्टे अगर सिर्फ हमने किया तो उसमें इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं हो पाता है, इसीलिए इतनी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमें बार बार यहाँ पर आना पड़ेगा। और देखिए जस्ट अभी हम ऊना क्रॉस किया है हमने, कितने सुंदर स्नो पीक्स हमें दिखने शुरू हो गए हैं। हिमाचल की ब्यूटी इसी तरह की है, पूरा हिमाचल ही इतना प्यारा है। हमने मनाली भी कवर किया था, सिस्सू दिखाया था, आज हम मैक्लोडगंज में रहने का ऑप्शन तो हम दिखाएंगे ही, जहाँ पे क्योंकि लास्ट टाइम हम धर्मशाला में रहे थे जिया विलेज में, इस बार हम मैक्लोडगंज में ही रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी रहने के ऑप्शन भी आपको दिखाएंगे। और साथ ही अगर आप वहाँ आते हैं रहने के लिए तो किस किस जगह को आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। ग्यारह घंटे हो गए हैं हमें चलते हुए और हम पहुंचे हैं डल लेक। हम इसलिए रुके हैं यहाँ पर क्योंकि मैंने श्रीनगर में डल लेक सुना था, लेकिन यहाँ पर भी कोई डल लेक है इसलिए हम रुके हैं। लेक में देखने से पानी बहुत ज़्यादा हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने पता किया है अभी यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, तो अभी रिवाइवल स्टेज पर है, तो जब पूरा सब कुछ हो जाएगा तब शायद आई एम श्योर यहाँ पर कुछ वाटर स्पॉट्स भी ये स्टार्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पर हमें बड़ा सुंदर शिव मंदिर है श्री दुर्वेश्वर महादेव का, तो अब महादेव के दर्शन तो कर ही लेते हैं जब रुके हैं तो। और हमें ये पढ़ने से पता चल रहा है कि ये मंदिर 200 वर्ष पुराना है, तो देखिए 200 वर्ष पुराना मंदिर, मान्यता तो अपने आप में है ही। हर हर महादेव। और देखिए सामने कितने प्यारे लग रहे हैं देवदार के पेड़, बिल्कुल लाइन में। तो भोलेनाथ के दर्शन करके हम नीचे उतरे हैं और सामने ही हमें माता चिंतपूर्णी का मंदिर मिल गया है। यहीं से हमें क्योंकि जाना है, हमारी जो डेस्टिनेशन है सतोवरी, यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है, यहाँ से लगभग अभी हमें 1 किलोमीटर जाना है सतोवरी से तोता रानी विलेज, जो जगह का नाम है जहाँ पर हमारा होटल है, और ऊपर ये रास्ता जा रहा है नड्डी के लिए जो व्यू पॉइंट के लिए फेमस यहाँ बता रहे हैं, तो देखेंगे वो भी एक्सप्लोर करेंगे बाद में। इसका नाम वैसे सतोवरी है लेकिन जानकारी मिली है कि लोग, क्योंकि कुछ लोग हमें स्ट्रॉबेरी हिल्स बता रहे थे, तो वो एक्चुअली प्रोनंसिएशन सिर्फ चेंज हो गया है, पहले सतोवरी हिल्स थी अब स्ट्रॉबेरी बन गई है वो। तो हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, ब्यूटीफुल होटल, अभी तक जो बाहर से देखने पर लग रहा है बेस्ट वेस्टर्न प्लस रेवांता इसका नाम है। इसका पूरा वीडियो तो अलग से मिलेगा ही आपको। चेक इन कर लिया है हमने, तो अब जल्दी से अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि थक गए हैं और इसको हम कंटिन्यू करेंगे अब कल। चलिए इसका, इस प्रॉपर्टी का हम पूरा वीडियो आपको अलग से देंगे, तो जो लोग यहाँ पर आए और लग्जरी प्रॉपर्टी अगर आप ढूंढते हैं तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस आपके लिए। आज हमारे आइटनरी में बहुत सारी यहाँ आसपास की चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए मैक्लोडगंज में,
तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं और फिर चलते हैं। तो हमने अपने लिए टैक्सी बुला दी है, क्योंकि वैसे तो हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस स्कूटर होता है, टू व्हीलर होता है ऐसी जगहों पर, लेकिन क्योंकि ठंड का समय है और सामान भी है साथ में, तो इसलिए हमने टैक्सी की है यहाँ से। कुछ फेमस पॉइंट्स हैं यहाँ पर, वो हम देखेंगे, कुछ अगर ऑफ बीट मिला तो हम वो भी ज़रूर कैप्चर करना चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो शुरुआत हमने की है नड्डी से। नड्डी एक जगह है जहाँ पर विलेज है बेसिकली, बहुत सारे होटल्स रिजॉर्ट्स यहाँ पर भी हैं। और सबसे पहले हमें दर्शन हो रहे हैं एचएच श्री माता जी निर्मला देवी टेम्पल। ये बेसिकली फेमस है व्यू पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर एक तरफ से आपको इवनिंग में सनसेट व्यू पॉइंट मिलता है, जो हमारे होटल से बहुत अच्छा हमें कल मिल गया, और दूसरी तरफ हमें बहुत सुंदर वैसे तो स्नो से ढके हुए माउंटेन्स होते हैं जब बर्फ़ पड़ जाती है, लेकिन अभी क्योंकि बर्फ़ हल्की हल्की दिख रही है, व्यू तो अच्छा है ही। चलिए देख लेते हैं। ओह वाह, कितने सुंदर झुमकियाँ मेरी नज़र ऐसी चीज़ों में ज़रूर पड़ती है। हम जस्ट थोड़ा सा आगे आए हैं, 20 मीटर्स आगे, और देखिए कितने सुंदर यहाँ से पीक्स दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, स्नो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी स्नो दिख रही है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत बड़ी सी बैनकुलर मिल गई है। तो भैया इसमें से कुछ हमें दिखाने वाले हैं 10 रुपीज़ में। देखिए कितनी चीज़ें दिखाएंगे भैया। मैडम 4 पॉइंट दिखाते हैं यहाँ से। क्या क्या दिखाएंगे मैडम? गुना देवी टेम्पल, त्रिवेणी ट्रैक, वाटरफॉल, स्नो धोलाधार पीक्स, ये सब कुछ दिख जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं। चलो भैया दिखाओ। अरे वाह यार, फ्लैग्स दिख रहे हैं। ओ यार वो देखो, छोटा सा है ना, वो छोटा सा मंदिर। तो ये गुना देवी की क्षमता। वाओ, टेम्पल इतना क्लियर दिख रहा है, पैदल जाना पड़ता है। अब मैंने ध्यान से देखा ना, तो छोटा सा वैसे भी दिख रहा है, फ्लैग भी है, लेकिन इसमें बहुत सुंदर दिख रहा है। इट्स एक्चुअली वर्थ इट। ठीक है भैया, मैंने टेम्पल देखा, नेक्स्ट हम ट्राई कर रहे हैं आपको भी दिखाने के लिए। ये देखिए, ये इधर 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 हमें ना, हमने वाटरफॉल भी बहुत क्लियर देखा है। अभी वो बर्फ जमी हुई है, अभी 2-3 घंटे बाद भैया कह रहे हैं जैसे जैसे थोड़ा धीरे धीरे धूप जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे देखिए। हाँ बिल्कुल क्लियर दिख गया इसमें, फिर ये रनिंग में दिखेगा। ये बहुत मस्त चीज़ है यार, सीरियसली मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया इसको, लेकिन मुझे यहाँ पर अब त्रिवेणी ट्रैक भैया ने 9 किलोमीटर वाला जो बताया है उसमें मुझे एक येलो टेंट दिख रहा है, साइड में गेस्ट हाउस टाइप कुछ बना हुआ है, होम स्टे टाइप, और साथ में बहुत क्लियर पीक्स भी दिख रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं धौलाधार टॉप, जो हमें वैसे भी दिख रहा है, लेकिन वैसे हमें स्नो बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, इसमें हमें स्नो अच्छे से दिख रही है। तो नड्डी व्यू पॉइंट से अब हम जा रहे हैं सेंट जॉन चर्च की तरफ। तो नड्डी व्यू पॉइंट से होते हुए हम नीचे आए हैं डल लेक होते हुए, और वहाँ से हम पहुँचे हैं, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा ये, चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द विल्डरनेस। एक ऐतिहासिक जगह है ये, और आप देख सकते हैं टूरिस्ट यहाँ पर हमेशा ही रहते हैं वैसे तो, जैसे हमें बताया गया है। देवदार के पेड़ों के बीचों बीच बना ये चर्च, देखिए कितना खूबसूरत है। 1852 में ये चर्च बनाया गया था, और यहाँ पर बेसिकली ये चर्च बनाया गया था यहाँ पर रहने वाले ब्रिटिश सैनिकों के लिए। बहुत सुंदर लग रहा है, 1852 में बना था, देखिए तब से है तो बहुत पुराना ही, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि पहले की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी, अभी भी देखने में काफ़ी अच्छी कंडीशन में लग रहा है। चर्च के बिल्कुल बाहर ऑपोजिट साइड पे ये इको पार्क बना हुआ है, और साथ में आपको इतने सुंदर याक भी मिलेंगे जिनके सींग भी ढके हुए हैं उन्होंने कपड़ों से, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ वो देख भी रहा है, उसको फोटो खिंचवाना है। और चर्च से बाहर निकलकर हमें याक भी मिले हैं जिनकी राइड भी आप कर सकते हैं, 400 रुपीज़ में आधा किलोमीटर ये राइड कराते हैं, और अगर इनके साथ आपको फोटो सेशन लेना है तो 100 रुपीज़।
चर्च से ही ऊपर की तरफ ये एक रास्ता भैया ने हमें बताया, वैसे इसका रोड दूसरा भी है ना भैया, नीचे की तरफ से भी है मेन रोड, लेकिन क्योंकि वो रास्ते में शायद अभी कुछ काम चल रहा है इसलिए हमें ये दूसरे रास्ते से लेकर जा रहे हैं बागसू टेम्पल, और वहीं पर वॉटरफॉल भी है एक, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो चलिए देख लेते हैं कितना डिस्टेंस है। तो हम आ गए हैं अब मेन मैक्लोडगंज की जो मार्केट एरिया है, ये हमने पहले भी कवर किया था जब हम लास्ट टाइम आए थे धर्मशाला, और इसी रोड से नीचे जाएंगे तो द दलाई लामा जो मोनेस्ट्री है जहाँ पे वो रहते हैं वही रोड है ये, और यहीं पर हमने लंच भी किया था मुझे याद है। अभी यहाँ से हम आगे गाड़ियों को रोका गया है तो इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। यहाँ से आगे जाएंगे हम 1.5 किलोमीटर पे वाटरफॉल भी है और वहीं पर बागसू टेम्पल भी है। देखो हमने ना मसूरी में एक बार ये कुकीज़ ली थी 70 रुपीज़ की एक थी, यहाँ पे 70 रुपीज़ में 3 चॉकलेट कुकीज़ मिली है। मैं पानी लेने गई थी लेकिन खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ये भी ले ली क्योंकि ये वन वे था इसीलिए हमें रोका गया था, वहाँ से ट्रैफिक जब आ गया है तो अब हम लोग इधर से जा रहे हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं भागसू में और ये पूरा एरिया मैक्लोडगंज के अंदर ही आता है, यहाँ पर नाग टेम्पल है, भागसू नाग टेम्पल के नाम से जैसे बोला जाता है। तो पहले वो देखते हैं और उसके बाद वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। हमें लामो मिल गए यहाँ पे जिन्होंने मुझे देखते पहचान लिया कि हम आपके ब्लॉग देखते हैं, लेकिन एक्चुअली इनके भाई इनको दिखाते हैं हमारे ब्लॉग्स और वो हमें फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि मैक्लोडगंज में भी हमारा चैनल फॉलो किया जा रहा है। थैंक यू। बहुत अच्छी शॉप है आपकी, क्लोथिंग के लिए अच्छा है और बहुत सारे आइटम्स हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, शॉल्स हैं, स्टोल्स हैं। पूरा मंदिर जिस तरह से बना हुआ है जैसे हम हिमाचल में देखते ही हैं बिल्कुल उसी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, आर्किटेक्चर वही वुडन वाला है। और एक पौराणिक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि राजा भागसू के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। राजा भागसू और नागराज जिन्हें नाग देवता के रूप में भी जाना जाता है एक लड़ाई लड़ी, और क्योंकि राजा ने नाग डल झील से पानी चुरा लिया था, बाद में राजा भागसू ने इस मंदिर का निर्माण नाग देवता से क्षमा मांगते हुए किया। बहुत शांति वाली जगह है वैसे भी, जहाँ मंदिर होते हैं ना ये ऐसी जगहों पर अपने आप ही आपको शांति फील होती है। और सामने जिस तरह से व्यू है, टूरिस्ट यहाँ पे भी काफ़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ बेसिकली जो पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं टूरिस्ट प्लेसेस ही हैं, और जो मैक्लोडगंज आते हैं इन जगहों पर नहीं गए तो मुझे लगता है कि फिर वो अधूरा ही रह जाता है उनका विज़िट। और ये देखिए रास्ता है झरने की तरफ जाने का। मार्केट बहुत अच्छी है यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स मुझे दिख रहे हैं, वुलन क्लोथ्स। यहाँ पर हमें जिप लाइन होते हुए भी दिख रही है, एक पॉइंट बनाया हुआ है। हाँ तो आप लोग जाओ, रोक पी रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से हमें रास्ता दिख रहा है, काफ़ी हाइट पे जाना है। जगह जगह बीच में आपको ये शॉप्स कैफे इस तरह से बने हुए दिखेंगे, स्टोन्स में बहुत सुंदर पेंटिंग की हुई है, काफ़ी स्टीप है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट एंड क्रिएटिविटी। सब ये देखिए चेंज केयर चेंज, सब गार्बेज से बनाया हुआ है। ये अच्छी खासी ट्रैकिंग है, हमने भैया को पूछा टोटल ट्रैक कितने का है, इट इज़ नॉट इवन 1 किलोमीटर बट स्टीप है तो इसलिए ठीक है, अच्छी खासी आपकी कसरत हो जाएगी। यहाँ से हमें आगे पॉइंट है, वहाँ से वाटरफॉल अच्छे से विजिबल हो जाएगा, तो आगे जाना है या नहीं जाना है ये बाद में तय किया जाएगा। हम तब तक फ्रूट सैलड खा लेते हैं, 50 रुपीज़ में बहुत बढ़िया सैलड बना रहे हैं भैया। आ हाँ, चटपटी सैलड, मसाला बहुत अच्छा भैया, बहुत दिनों बाद खा रही हूँ मैं इनफैक्ट ऑरेंज, तो इस सीज़न में अभी हमने खाया ही नहीं है। हमने अभी ये डिसाइड किया है, घर में हम रहते ही कम है और फ्रूट्स खाने का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता है क्योंकि हम खाना भी भागते भागते खाते हैं, इसलिए हम बाहर जाएंगे ना तो ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर खानी है। डू वट मेक्स योर सोल शाइन, लाफ मोर, ब्यूटिफुल बुद्धा पेंटिंग।
ओ भोलेनाथ, बम बम भोले। मैं ये वेस्ट वॉरियर्स को स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैं पूरे रास्ते पर देख रही हूँ बहुत अच्छे एफर्ट्स किए इन्होंने जगह जगह जिस तरह से। एक्चुअली मुझे पर्सनली ये लगता है इन्होंने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन हम सबको इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। हमें अपनी बेस्ट प्लेस मिल गई है, यहाँ हम देखें कोई भीड़ भाड़ नहीं है आसपास, कोई नहीं है, खाली जगह है और सामने बिल्कुल हमें बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिख रहा है। झरने के पास वैसे भी बहुत भीड़ भाड़ है और हम वहाँ जाके, ऐसा तो है नहीं कि हमें झरने में नहाना है या कुछ और करना है, तो मुझे लगता है कि ऐसी जगह पर बैठकर हम ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं उसको। देखो आज हमने बहुत सारी शॉपिंग तो की है, लेकिन शॉपिंग में सबसे ज़्यादा हाथ इनका है। क्या नाम है आपका? राधा। इन्होंने हमें देखो अपनी चॉइस से कितनी अच्छी जैकेट हमें दी है, तो मेरे सैंपल है और ये स्पेशल सैंपल बनाया इन्होंने, कहा पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा और बहुत वार्म है ये, पहनते ही इनको भी पसंद आ गया और मुझे भी पसंद आ गया, तो हमने ये फाइनल कर दिया। साथ ही हमने बच्चों के लिए भी कुछ जैकेट ली है, सर के लिए भी जैकेट ले ली है। अब नॉर्थ फेस के बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, लोअर भी लिया है, तो शॉपिंग पूरी फुल हो गई है। जहाँ भी जाते हैं हमारी शॉपिंग ज़रूर होती है। प्राइजेस बहुत अच्छे हैं, इवन नॉर्थ फेस की जो जैकेट्स है 2200-2000 की रेंज में है, ये वाला जैकेट जस्ट 1200 रुपीज़। जिस तरह कसौली में पूरे पाइन ट्रीज दिखते हैं, यहाँ पूरे देवदार ट्रीज दिख रहे हैं बहुत सुंदर, और ये पूरा पीछे बैक साइड दिख रहा है हमें मैक्लोडगंज का। हम वापस आ गए हैं वाटरफॉल से, और अब हम क्योंकि वन वे है इसलिए गाड़ी रुकी थी, तो हमें लगा कि हम वीडियो को यहीं पर एंड कर दें, ज़्यादा लंबा ना करें। जाओ भैया। तो बहुत अच्छा रहा हमारा ये ट्रिप, आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा लगा होगा जो हमने प्लेसेस दिखाए हैं। अब अगर आप मैक्लोडगंज जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा इजी तो होगा ही। साथ ही हम विजय भैया जो टैक्सी जिनसे हमने कराई है बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, और बहुत अच्छा रहा हमारे साथ हमारा जो जर्नी था इनके साथ। इनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। लोगों को सुविधा होती है कई बार, आप पहले से बुक कर सकते हैं टैक्सी। इसके बाद हमारा सेकंड वीडियो जो आप होटल का देखेंगे वो ज़रूर देखें, और जो लोग लग्जरी सेगमेंट में प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो वो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि कई बार प्राइस वाइज तो लग्जरी होती है कोई भी होटल या रिजॉर्ट, लेकिन सर्विसेज वाइज नहीं होती है। यहाँ पर हमें सर्विसेज बिल्कुल सेटिस्फेक्ट्री है मिली हैं, और बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस के साथ साथ आपको कम्फर्टनेस देखा जाता है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी तरह से वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी तरह शॉपिंग भी करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।